नमस्कार, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं 12 बजे की खबरें। और इस वक्त बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मिले हैं। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद फफक कर रो पड़े कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से योगी ने इस पर एक्शन लिया है, इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है। अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद रेप पीड़िता और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद फफक फफक कर रो पड़े कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। जिस तरह से बर्बरता हुई है, इस सुनते हैं जरा क्या कहा संजय निषाद ने। जनता के साथ अगर समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है और किस तरीके से मुंह सिला जाता समाजवादी पार्टी में कि आप देखो दो निषाद जीते हुए हैं सपा से और उन्होंने आज मुंह नहीं खोला। मैं अपने समाज से अपील कर रहा हूं कि हमारा साथ दें। पूरे देश में निषादों पर अत्याचार किस न हो उसके लिए मैं प्रभावी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री तो साथ दे ही रहे हैं, करूँगा कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जाते हैं जिनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, परिस्थितियों ने उजाड़ा हो, हमने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो और संविधान मिला हुआ हक आज हमारा ये मामला अगर ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होती तो अनुसूचित जात आयोग भी हमारे लिए खड़ा होता। सूचीबद्ध है लेकिन हमारा नाम इन पैमानों ने पिछड़ी जात में डालकर उप जातियों को आज ये धोखा होगा। अगर अनुसूचित जात के सूची में कि हम आज के दिन प्रमाण पत्र होता तो एक भय होता कि अनुसूचित जाति। निषाद मिलने पहुंचे अयोध्या में, जिस तरह से एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद वहां पर पहुंचे रेप पीड़िता उनके परिजनों से मिलने, तो फपक फपक कर वो रो पड़े। रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उनका कहना था कि जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से संजय निषाद फपक फपक कर रो पड़े जब रेप पीड़ित के परिवार वालों से मिले, उनकी वेदना सुनी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो रो पड़े। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। इस वक्त बुलडोजर का एक्शन जारी है। मोहित की एक बेकरी पर इस वक्त बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। बुलडोजर वहां पर पहुंच गया है और कभी भी मोहित की बेकरी को ध्वस्त किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, जमींदोज किया जा सकता है। इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन और इसके अलावा अगर सरकार तो बात की जाए रेप पीड़ितों के साथ है। इस पर पूरा एक्शन लिया गया है, त्वरित गति से कार्रवाई की गई है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं वो कार्रवाई अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। मोहित की एक बेकरी है जहां पर सुबह छापा पड़ा था और छापा पड़ने के बाद अब यहां पर जेसीबी पहुंच चुका है, यानी बुलडोजर की कार्रवाई कुछ देर में शुरू हो जाएगी, ध्वस्त कर दिया जाएगा बेकरी को। बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि मोहित ने जिस तरह से कुकर्म किया उसकी सजा उसे मिलेगी। रेप पीड़ितों ने भी कहा था मुख्यमंत्री से मिलकर कि आप इस पर बुलडोजर की कार्रवाई करें, इसके मकान हो या दुकान हो इस पर आप कार्रवाई करें। बातचीत करने के लिए निमेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ संजय निषाद मिलने पहुंचे रेप पीड़ित के परिवार से और जब निकले हैं तो वो अपने आंसू को नहीं रोक पाए हैं, वो फपक फपक कर रो पड़े हैं। और दूसरी तरफ शासन प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को ले रहा है, वो बुलडोजर के जरिए अब उस बेकरी को गिराने की तैयारी में है जो मोहित का बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संजय निषाद रेप पीड़िता से मुलाकात के बाद काफी भावुक दिखे और फपक कर वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि हमें निषाद समाज की इस बिटिया को न्याय दिला रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील किया है कि राजनीतिक दल जो है अब इस पूरे मामले पर राजनीति न करें और पहले सबसे उसके खिलाफ कार्रवाई करें और इस तरीके से दुराचार के साथ न खड़े हों। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेकरी जो अवैध रूप से बनाई गई थी उस बेकरी पर फिलहाल बुलडोजर का शुरू कर दिया गया है और बेकरी गिराई जा रही है। अभी सुबह खाद्य विभाग की टीम ने वहां पर छापेमारी की थी, सैंपलिंग की थी और उसका बेकरी सील की थी, लेकिन अब दुराचार आरोपी मोइन खान के बेकरी पर जो जमलाइजेशन का कार्य है वो शुरू कर दिया गया और जेसीबी से के जरिए उसकी बेकरी को गिराया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर बेकरी को तो गिराने की तैयारी हो रही है लेकिन उसके घर की पैमाइश भी हो रही थी, उसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी राजस्व की टीम उसके घर के कागजात, आरोपी के घर के कागजात और तमाम चीजें जान रही है कि कौन कहाँ से बनी है और किस तरीके की ये बिल्डिंग है, किस जमीन पर बनी है, कहीं नजूल है और क्या है, तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। जैसा मुख्यमंत्री ने आश्वस्त दिया था कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को जो आरोपी है और
दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही एक कार्रवाई सुबह से ही देखने को मिल रही है। फिलहाल बेकरी पर बुलडोजर चल रहा है और अब जल्द ही उसके घर की पैमाइश पूरी होने के बाद राजस्व की टीम भी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ करीब करीब सारे मामले जो जांच में अब तक आए हैं उसमें बेकरी जो है वो अवैध रूप से संचालित है। उस बेकरी को लेकर के जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बेकरी को पहले सील किया गया था, बाद में अब डबलाइजेशन का कार्य बेकरी में शुरू कर दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए निमेश, अब तक कितनी गिरफ्तारी हो गई है और आगे इस पर पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है? ठीक है, राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, चाहे वो मोहित का घर हो या बेकरी हो, उसे अभी इस वक्त बेकरी ढहाने का काम भी कुछ देर में वहां पर शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या आगे अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है मोहित खान और उसके सहयोगी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक घटना के बाद जिस दिन इस पूरे मामले पर FIR दर्ज हुई उसी दिन इन दोनों लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और कई सिद्धों पर जांच करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस और मामले पर बारीकी से प्रशासन भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, अपने अपने स्तर पर जांच हो रही है कि कहां कहां कौन कौन लोग हैं, क्यों इस तरीके की इंसिडेंट हुई और कब तक कैसे इसको संगठन में इसको लेकर के पुलिस विभाग ने हल्का प्रभारी से लेकर के और उस क्षेत्र के SHO तक पर कार्रवाई की और हर व्यक्ति को वहीं से हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है। हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। ये माना जा रहा है कि मोहित खान के घर में जो पुलिस चौकी संचालित थी उसको लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं उसे लाभ देने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SHO और थाना चौकी प्रभारी के साथ साथ पुलिस के सिपाहियों को भी सस्पेंड किया था और अब जो डेमोलाइजेशन की कार्रवाई है वो अब से कुछ देर में शुरू हो सकती है।